आज उसका भी उद्घाटन हो रहा है। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया था वो अब महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। कोशिश बस यही कि कोई भी ऐसा किरदार ना हो जो कि छूट जाए, जिसका भी योगदान है प्रभु श्री राम के पुरुषार्थ को लोगों तक पहुंचाने में या फिर उनके महिमा का गान करने में, क्योंकि हम सबको पता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तो अब उन्हीं के नाम पर जाना जाएगा ये नव निर्मित एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के बाहर तक पहुंच चुके हैं। दो चरणों में एयरपोर्ट को भी बनाया जा रहा है। अभी आज जो इसका उद्घाटन किया जा रहा है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के तौर पर, लेकिन आगे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाएगा। अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, ये पूरा नाम है इस एयरपोर्ट का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। और जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इसलिए है क्योंकि प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सिर्फ भारत से श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे, विदेशों से भी लोग आना चाहते हैं रामलला के दर्शन के लिए। और ऐसे में 8 एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। और जैसा आपने रेलवे स्टेशन देखा कि वहां पहुंचते ही आपको मंदिर की झलक दिख जाएगी, बस वैसा ही एयरपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि आप एयरपोर्ट के बाहर कदम रखेंगे और आपको ये एहसास होगा कि आप लगभग मंदिर तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की भी जो पूरी नक्काशी है, यहाँ जो गुंबद बनाए गए हैं और पूरी तरह से इसका जो डेवलपमेंट किया गया है, आर्किटेक्ट जो है इस एयरपोर्ट का, वो प्रभु श्री राम के मंदिर की ही तरह लगभग तैयार किया गया है। तो पूरी अयोध्या नगरी को बनाने बसाने की कोशिश बस इस तरह की कि यही लगे कि आप अयोध्या धाम पहुंचे, जहां के कण कण में प्रभु श्री राम का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि, अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, उससे पहले एक लंबा रोड शो और अयोध्या धाम जंक्शन का भी उद्घाटन किया गया। नई वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या धाम में। इससे पहले कि 22 जनवरी को हो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ये एक अद्भुत नव्य दिव्य अयोध्या धाम की शक्ल दुनिया के सामने, जहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस नए धाम के नवनिर्माण की रूपरेखा जिस तरह से रची गई थी, आज उसके कुछ हिस्सों का लोकार्पण, और उसी कड़ी में आज महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए रोड शो करते हुए। तो आज पहली आपको फ्लाइट उड़ान भरती हुई यहीं अयोध्या धाम एयरपोर्ट से दिखाई देगी, और न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको वहां पर भी मौजूद दिखाई देगी, ठीक उसी तरह जैसे अमृत भारत ट्रेन के अंदर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद थी, प्रियंका वहां पर थी। तो ऐसे ही आगे हम आपको वो जो पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी और पहुंचेगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक, वहां से भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। फिलहाल नरेंद्र मोदी तो पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब इसका भी लोकार्पण है। तो एक तरह से आप समझिए कि यातायात के जितने भी साधन हो सकते हैं उन सबको आज ही हरी झंडी दिखाई दी गई है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, और उसके पहले आज 30 दिसंबर को ही कैसे पहुंचना है आपको अयोध्या, वहां पहुंचकर क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, आज 23 दिन पहले लगभग वो सब तैयार कर दिया गया है। और इसके आगे मतलब कल से 31 दिसंबर से तो अब बस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो उसकी तैयारी की जानी है। अयोध्या वासी किस तरह से उत्साहित हैं, उनके अंदर हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है, ये इन अलग अलग 5 तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब एयरपोर्ट का जो लोकार्पण होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, तो अब उसका लोकार्पण होना बाकी है, और वो भी अयोध्या वासियों को, देश के लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा आज से ही। तो आप किसी भी माध्यम से अयोध्या पहुंचना चाहें, रामलला के दर्शन करना चाहें, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या फिर फ्लाइट, उन हर माध्यम के जरिए अयोध्या आप पहुंच पाएंगे। भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या धाम का निर्माण जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ा, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का ये अयोध्या धाम दौरा भी बेहद खास। सड़क की दोनों ओर तमाम लोग और साधु संत पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
इस दौरे के वक्त, जबकि वो रोड शो कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह कि अयोध्या का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी आज, जिसका लोकार्पण और नाम महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में रोड शो के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर इकबाल अंसारी भी पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या के रोड शो की और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दिए। इकबाल अंसारी अयोध्या राम जन्मभूमि और मस्जिद विवाद में बाबरी मस्जिद के तरफ से पक्षकार थे। सालों तक उन्होंने कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी। इकबाल अंसारी के पिता हाशिम अंसारी का नाम बाबरी मस्जिद के सबसे पुराने पक्षकारों में शामिल था। हाशिम अंसारी 1949 से लेकर 2016 तक मस्जिद की पैरवी करते रहे। साल 2016 में हाशिम अंसारी की मृत्यु के बाद उनके बेटे इकबाल अंसारी ने बतौर पक्षकार बाबरी मस्जिद की कानूनी लड़ाई लड़ी। लेकिन यह भी सच है कि हाशिम अंसारी या इकबाल अंसारी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम एकता पर आंच नहीं आने दी और शायद यही वजह है कि अब मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से न्योता पाने वालों में इकबाल अंसारी का नाम भी शामिल है और अयोध्या में उन्हें भी निमंत्रित किया गया है। और उस 22 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर इकबाल अंसारी खुद पुष्प वर्षा करते दिखाई दे रहे हैं। रीमा, क्या अद्भुत तस्वीर आज अयोध्या धाम की। इस वक्त हम बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिखाने वाले हैं। अयोध्या राम की नगरी है और कण कण में राम है, लेकिन कहीं कहीं पे इस तरीके से भी राम, सीता और लक्ष्मण जी भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से पीएम का काफिला गुजरा था, लेकिन अभी भी ये राम जी इसी तरीके से बैठे हुए हैं और कुछ गुरु जी भी हैं यहाँ, साधु संन्यासी भी। यहाँ से पीएम मोदी भी गुजरे। क्या ये खास तैयारियां पीएम मोदी के आगमन को लेकर ही की गई थी कि राम, सीता और लक्ष्मण ये सभी यहाँ पे बाल कलाकार बैठे हुए हैं? ऐसा है कि जिस देश में जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, राजा ही माना जाता है, आज राम जी स्वयं बैठकर के उनका स्वागत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को अपने नगरी में, क्योंकि आए हुए अतिथि तो अतिथि होते हैं ना, अपने घर में आए हुए तो अतिथि देवो भव, तो हमारे अतिथि है मोदी जी, इसलिए राम जी स्वयं आकर के आज स्वागत कर रहे हैं। क्या ये राम जी हमसे बात करेंगे, प्रभु श्री राम हमसे बात करेंगे क्या? आपकी भावनाएं किस तरीके की है, क्योंकि आज यहाँ पे आप हैं तो आपको प्रभु श्री राम ही माना जा रहा है जी। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी आए हैं, उनके स्वागत में हम लोग आए हुए हैं। माता सीता आप क्या कहेंगे, आप कुछ कहेंगे जी? ये बाल कलाकार हैं तो थोड़ी सी हिचक भी है। लक्ष्मण जी क्या कहने वाले हैं, लक्ष्मण जी तो हमेशा गुस्से में रहते थे, क्या ये लक्ष्मण जी गुस्सा करते हैं या नहीं करते हैं? जी करते हैं। करते हैं गुस्सा, किसपे? जिस पे मन होता है। मन होता है मतलब अगर इस अयोध्या नगर के वासी कुछ गलत करें तो लक्ष्मण जी नाराज हो जाएंगे। जी नाराज होने वाले हैं। और भी कुछ, हाँ और भी कुछ हम बड़ी बातें जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा आज फोकस किया जा रहा है कि जो अयोध्या नगर है उसको लेकर कायाकल्प किया जाना है, इसको और विकसित किया जाना है, तो आप अयोध्या वासी, आप साधु संत कितने उत्साहित हैं? जैसे त्रेता युग में पहले अयोध्या का पुनर्निर्माण किया गया था, वैसे दोबारा मोदी जी और योगी जी द्वारा बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है, आप साधु संन्यासी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये त्रेता युग का ही मॉडल तैयार हो रहा है? त्रेता युग जैसा ही हो रहा है, लेकिन उससे पौराणिकता और नवीनता में दोनों में अंतर है, उसी का विस्तार रूप से दर्शन। ऐसा बदलाव जिसे आप लोग बहुत खुश ना हो या कोई मीठी शिकायत भी करते हो सरकार से, ऐसी कोई है? ऐसा कोई बदलाव नहीं, लेकिन बाकी सब प्रसन्न है और अयोध्या विश्व के लिए प्रचंडता प्रदान करते हुए विकसित हो रहे हैं। ठीक है, कुछ और लोग हैं, क्या आप अपनी भावनाएं कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, वो महाराज जी तो बोलेंगे, अब मेरे लिए महाराज जी आप हैं, आप बताइए अपने। हम नहीं, महाराज जी से बताएंगे। महाराज जी, हम लोग का सिर्फ कहना है, हम लोग का यही सिर्फ कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब यहाँ पे जब राम जन्मभूमि 22 जनवरी को उद्घाटन देने के लिए आए, तो अब फिर से एक बार नारा लगाएं कि रामलला हम आ गए और मंदिर वहीं बना गए, और इसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला आना चाहिए और वहाँ पे जो
कि राम और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप है, अपनी अपनी भावना कि आप राम को पूजें या कृष्ण को पूजें। तो अब तो काशी को संवार लिया गया, अयोध्या को संवार लिया गया, अब बारी किसकी है? मथुरा की। मथुरा की बारी है। तो मथुरा में क्या होना चाहिए? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जो कारागार है वो मुक्त होना चाहिए। मस्जिद का सरकार द्वारा हस्तक्षेप जो है मुस्लिम, वहाँ भी कुछ मामला कोर्ट में ही चल रहा है, तो कोर्ट जब तक क्लियर ना, जहाँ कृष्ण भगवान जन्म लिए थे वो मथुरा भी विवादित चल रहा है, उसको मुक्ति मिले और कृष्ण जन्म भूमि का भी जैसे राम जन्म। मतलब 22 तारीख के बाद एक और इंतजार कृष्ण को लेकर, उसका फैसला आने वाला आ गया है, कोर्ट में मामला चल रहा है, वो हमारा ही था। तो जबरदस्ती कोई आके मेरे घर में घुसा है तो उसको निकालना पड़ेगा ना। साधु सन्यासियों पे, हालांकि मैं पहले भी आप लोगों से बात करती रही हूँ और भावनाएं देखती रही हूँ, ये जो बाहर अयोध्या से बाहर जो सियासत होती है राम के नाम पर, कुछ लोग स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अलग ही हो रहा है, कुछ जमीन का मसला उठाते हैं, आप सब सुन के कैसा महसूस करते हैं जब अयोध्या के नाम पे राजनीति होती है? जो राम को नहीं स्वीकारते थे, कहते थे कि राम जी अस्तित्व में नहीं, राम जी नहीं है, आज वो कहीं नहीं है, न जनता के बीच में है, न किसी पॉलिटिक्स में है, वो खत्म हो गए। जो नहीं हमारे राम का वो नहीं किसी के काम का। अब तो सनातन का जमाना आ गया, जो सनातन को स्वीकारेगा वही राज करेगा देश में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं इस वक्त रवि का रुख करूंगी। रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है? बड़ी बातें, बड़ी तस्वीर जरा बताइए, दिखाइए। रीमा, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा और उसके बाद कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले भी ये लता मंगेशकर चौक है और अभी भी यहाँ पर पुलिस की बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है और इंतज़ार चल रहा है। अभी जो जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री, हो सकता है कि उनका काफिला वापस इसी रास्ते से गुजरे। और दूसरी बात, अब यहाँ पर तमाम लोग हैं उनकी भी मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इनमें भी अभी जोश का ही माहौल है। एक तरफ यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है तो दूसरी तरफ तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से आप? सर, हम आए हैं काशी से चलकर आए हैं। काशी से? जी, रात को 12:30 बजे निकले हैं और 7 बजे यहाँ आए हैं। तो पीएम को देखा आपने? हाँ हाँ, पीएम सर को देखा। धन्य है हमारे प्रधानमंत्री जी, धन्य है हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री जी, आज जिनके नेतृत्व में यह जो है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर आज भव्य स्वरूप ले लिया है। आज जो है और लोगों से बात करते हैं। आप तो ऊपर यहाँ पे चढ़ कुछ गाना होना गाएगी? राम आएंगे तो अंधेरा सजाएंगे, दीप जला के दीपावली हम मनाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, जला के दिवाली हम मनाएंगे। यहाँ पे और लोगों से मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, अलग अलग तरीके की तस्वीरें। आप लोग कहाँ से हैं? बड़ी तादाद में अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं लोग दूर दराज से, लेकिन अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का आज प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन। तो दिल्ली से यात्री अब तैयार हैं। अयोध्या पर पहली फ्लाइट जो है वो करने जा रहे, इंडिगो की ये फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी। कभी लोगों के लिए सपना हुआ करता था कि अयोध्या में जो है कभी ट्रेन या फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी, लेकिन आज जो है वो सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो लोगों को, अयोध्या के लोगों को एयरपोर्ट की सौगात दी है और वहां पर पहली फ्लाइट लैंड होने जा रही है। ये वो लोग हैं जो पहली फ्लाइट में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं। सर, ये वो सपना था जो कभी अयोध्या वासियों ने देखा था, आज ये सपना साकार हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। 500 से ऊपर वर्ष के बाद पहली बार हमारे राम मंदिर में, एक अयोध्या में प्लेन उतर रहा है और हम सबसे पहले उस पर जा रहे हैं। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भारत वंशियों के लिए बड़े गर्व की बात है और हम चाहेंगे कि हमारे मोदी जी इस तरह जो धर्म के कार्य हैं जिसमें हमारे भारत वंशियों को इतना सुकून मिल रहा है कि हम राम मंदिर के दर्शन कर पाए। कहाँ से आए सर आप लोग? मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। हाँ। और मैं खाली मोदी बदली है फिर अयोध्या? अयोध्या 100% बदल गई है। हाँ। आप अयोध्या जाएंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे अयोध्या, मोदी जी ने ऐसा कर दिया है।
राम काज कीजो लीजो। ये जो खास तौर पर देखिए इन्होंने कुर्ता पहना हुआ है जिसमें इंडिगो फर्स्ट फ्लाइट अवध जो है 30 दिसंबर 2023, इससे पता चलता है कि पहली फ्लाइट जो है वो इंडिगो की जा रही है, क्योंकि ये एक सपना था, कभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने भी सेम वही कुर्ता पहना हुआ है। बेटा कहाँ से आए हो आप, क्या नाम है? भरूच से आए, गुजरात से आए। गुजरात से आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि गृह क्षेत्र है, लेकिन ये बताइए पहली बार आप उस फ्लाइट में जा रहे, कैसा लग रहा है? बहुत